स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफी बड़ा है। एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा भी जाता है। कम से कम 5 से 7 नंबर टॉपिक आता है हर साल, चाहे वो 1-2 नंबर क्वेश्चन है चाहे 4 से 7 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, आपका 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन आपको बनेगा। आपको आपको एक सीधा सीधा पूछ लेगा कि मनुष्य का पाचन तंत्र समझाइए। देखिए, चित्र बना होगा, आकृति बनी होगा, आप देख लेंगे आकृति कैसा। आकृति भी पूछता है, इसलिए आकृति भी पूछता है स्टूडेंट, इसलिए आपको इसमें चित्र बनाना सीखना पड़ेगा। तो आज हम यात्रा करेंगे कि मनुष्य के पेट में जो भोजन जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है। आज हमारी यात्रा शुरू होगी मुंह से और खत्म होगी बल द्वारा, यानी अंत में भोजन का क्या होगा। यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक आपसे सीधा पूछने का, मनुष्य के पाचन तंत्र की आकृति बनाकर सविस्तार समझाइए, और एक आपसे पूछेगा कि क्षुद्रांग का कार्य बताइए, ईसोफेगस ग्रंथि का कार्य बताइए, एंजाइम्स का कार्य बताइए, लाल रस का कार्य। ऐसे नाम दे देगा, 4-5 नाम दे देगा आपको पूछेगा। जैसे आपको पूछेगा क्षुद्रांग में क्या होता है, यकृत का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, वसा कैसे पचता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, और क्षुद्रांग के अंदर क्या होता है, अंग में क्या होता है। ये सारे नाम दे देगा आपको और इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए स्टूडेंट, आपको कभी कभी मिलाने को दे देगा कि प्रोटीन का ट्रिप्सिन, वसा का लाइपेज, ऐसा करके मिलाने को दे देगा और आपको मिलाना पड़ेगा। तो कई तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चनों में ऐसी बातें होती है। चलिए अब हम बात करेंगे बारी बारी से कि होता क्या है जब हमारे मुंह के अंदर भोजन प्रवेश करता है, उसके बाद क्या होता है। आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो होता क्या है कि मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं आपके मुंह में पानी पानी जैसा आ जाता है, तो क्या करता है, आपको भोजन को गीला करने का काम करता है। भोजन क्या करता है, गीला करने का काम करता है, ताकि गला क्या होता है, जो हमारी गले में ईसोफेगस ग्रंथि होती है वो काफी मुलायम होती है। अगर आप कभी कभी क्या होता है, आप जल्दी खाइए, देखिए आपके गले में कुछ अटक जैसा जाए और गला छिल जाता है तो आपको दर्द करता है। इसलिए जैसे ही भोजन मुंह के अंदर रखते हैं आपके द्वारा, उसमें लाल रस का उपयोग मिल जाता है। लाल रस क्या करता है, लाल रस भोजन को गीला करने का काम करता है। ध्यान दीजिए, हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू होता है, यानी पहला काम हो जाता है लाल रस भोजन को गीला करता है। गीला क्यों करता है, ताकि भोजन हमारा जो है, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया वैसे लाल रस के द्वारा गीला हो जाता है। गीला होने वाले में चबाने में आसानी होती है, फिर हम उसको दांतों से कम चबाते चबाएंगे। जब चबाएंगे तो क्या होगा, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। भोजन क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। और एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, लाल रस के अंदर एंजाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, एंजाइम होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या पाचन करने में सहायता करता है। चलिए हम बात करते हैं, हमने क्या किया, भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण किया। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया उसमें लाल रस आके मिल गया, भोजन क्या करता है, बराबर मिलाता है और उसको बराबर चबाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाचन मुंह से शुरू होता है, इसीलिए डॉक्टर हमें कहता है या कोई व्यक्ति कहता है जल्दी जल्दी मत खाओ। क्यों जल्दी जल्दी मत खाओ भाई, जल्दी जल्दी अगर आप खाएंगे तो आपका भोजन क्या होगा, ठीक से पचेगा, इसलिए धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। इसीलिए चबा कर खाइए, यानी हमने भोजन क्या किया, चबाया, लाल रस उसमें मिल गया, ठीक है, लाल रस मिल गया। लेकिन टायरी काम का एंजाइम होता है, उसका जितने बनेंगे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, और जैसे भोजन छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है वैसे ही ईसोफेगस ग्रंथि के द्वारा, ईसोफेगस एक कोमल ग्रंथि होती है जो सीधा आहार नली में होती है, आहार नली के माध्यम से भोजन धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, आमाशय में, यानी अब यहाँ का काम खत्म, अब आमाशय का काम शुरू। चलिए आमाशय, आमाशय एक को पेट पेट का बहुत बड़ा भाग होता है जहाँ भोजन का संग्रह होता है। आमाशय में एससीएल नामक एसिड होता है, एससीएल नामक एसिड क्या होता है, मंद होता है, मंद एससीएल होता है। इसका काम क्या होता है, तो भोजन के अंदर जो
जीवाणु होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है HCl। क्या लीजिए, HCl क्या करता है, हमारे भोजन के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ठीक है, अब इसे अमाशय के अंदर, इसे जठर के अंदर, अमाशय में जठर होता है, इस जठर के अंदर HCl होता है। HCl क्या करता है, भोजन के कीड़ों को मारने का, छोटे छोटे जीवों को मारने का काम करता है। अब यदि हमारे भोजन में क्या होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं, हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है अमाशय में उसका पाचन होता है एक बार। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का कितनी बार पाचन होता है, तो अमाशय में एक बार और फिर छोटी आंत में एक बार, दो बार प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन के द्वारा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होगा, पेप्सिन के द्वारा। अब देखिए कि हमारे जठर के आसपास छोटे छोटे मूल रोम होते, बालों की संरचना होती है। वो बालों की संरचना क्यों होती है, क्योंकि अगर यह बालों की संरचना नहीं होगी, HCl कहाँ पहुंच जाएगा, अमाशय में पहुंच जाएगा, और HCl जठर से जैसे ही अमाशय के अन्य भाग में पहुंचेगा तो अमाशय बहुत कोमल होता है, इसको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे मूल रोम होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भोजन है वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटीन का यहाँ पे पाचन होते हैं, इसी साथ साथ और भी कई वस्तुएं हैं जिनका पाचन यहाँ पर हो जाता है। अब बात करेंगे कि अब देखिए पहले स्टेज में मुंह पर था, दूसरे स्टेज में अमाशय भी आए, तीसरे स्टेज में हम आते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत अमाशय से भोजन कहाँ पे आया, अमाशय से भोजन आया हमारी छोटी आंत। छोटी आंत जो है सबसे लंबी होती है, छोटी आंत छिद्रांत नामी है, क्योंकि ये सबसे लंबी होती है। और ध्यान दीजिए अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग होती है, शाकाहारी प्राणी होंगे तो उनकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, छिद्रांत की लंबाई शाकाहारी प्राणियों में सबसे ज्यादा होती है, और मांसाहारी प्राणियों में क्या होती है, कम होती है। बाघ वगैरह जो प्राणी होंगे उनमें छिद्रांत की लंबाई क्या होगी स्टूडेंट, छिद्रांत की लंबाई क्या होगी, कम होगी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। भोजन कहाँ पे आ गया, अमाशय से छोटी आंत में आ गया। अब देखिए छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट होता है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन होता है। अब ध्यान दीजिए कि छोटी आंत में जो भोजन आएगा यहाँ से क्या मिल गया, एसिड मिल गया। छोटी आंत में जो भोजन आएगा उसको वो क्या करे, एसिडिक भोजन है, एसिडिक भोजन कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में आएगा। अब हमारे लीवर होता है लीवर, यकृत, जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया यकृत क्या करेगा, पित्त रस छोड़ेगा। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। जैसे आप साबुन कपड़े में मलते हैं तो इमल्शन जैसा काम करता है, यानी कपड़ा क्या होता है, कपड़े की झाग बनती है। उसी प्रकार से जैसे अमाशय से भोजन छिद्रांत में प्रवेश करता है तो भोजन एसिडिक होता है, और एसिडिक भोजन को पित्त रस यानी कि ये बेस होता है, यानी ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है। बेसिक का मतलब अगर कहा जाए तो बेस होता है, बेस यानी क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय होता है, यकृत का पित्त रस क्षारीय होता है, और आप जानते हैं अम्ल और क्षार के निर्गत होते हैं, और यकृत पित्त रस होता है इससे क्या होता है, भोजन क्या होता है, एसिडिक से बेसिक होता है। ठीक है, इतना समझ गए आपको। अब देखिए अब जैसे भोजन यकृत में आया है वैसे ही काम शुरू होता है पाचन का। आपको पता है एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी इसलिए होती है कि यकृत में अगर ठीक तरीके से बेस ना मिल पाए तो भोजन एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे भोजन छिद्रांत में आया तो यहाँ पर प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों का पाचन कैसे होता है, तो यकृत क्या करता है, कुछ पित्त रस जो होता है वो एंजाइम्स को छोड़ता है। जैसे ट्रिप्सिन लाइपेज दो एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार से वसा का पाचन छोटी आंत में लाइपेज के द्वारा होता है, लाइपेज भोजन को किस में बदल देता है, तो लाइपेज लाइपेज को वसा को किस में बदल देता है, तो वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरीन में बदल देता है, वसा अम्ल या ग्लिसरीन में बदलता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होता
कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? ग्लूकोज में होता है। चलिए अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ भोजन पचने का बचा हुआ भोजन और पानी, बचा हुआ भोजन और पानी कहाँ पे आता है? तो बड़ी आंत में आता है। अब बड़ी आंत में छोटे छोटे उंगली जैसे प्रवाल होते हैं। एक मिनट सॉरी, तो ये जो भोजन पच गया है उसका जो है छोटी आंत की दीवारों के द्वारा उस भोजन के जो कण होते हैं उनका क्या होता है? शोषण कर लिया जाता है और हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी जो भोजन का यहाँ पाचन है उसका शरीर के पाचन अंगों द्वारा छोटी आंत द्वारा शोषण कर लिया जाता है। क्या होता है इससे? फिर उसके बाद जो जो भी पदार्थ उसका शोषण कर लिया गया, अब बचता क्या है? बचता है पानी और भी जो बचे हुए भोजन के कण होते हैं। वो कहाँ पर आते हैं? बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत में जैसे ही आते हैं तो बड़ी आंत में छोटी छोटी उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं ऐसे फैल जाते हैं। रसांकुर जिसे कहते हैं, वो रसांकुर क्या होते हैं? फैल जाते हैं और जैसे ही भोजन का बचा हुआ भाग आता है उसमें से पानी का शोषण करके शरीर के विभिन्न भागों में भेज देते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मलाशय के माध्यम से, मलद्वार के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या होता है फटाफट सरसरी निगाह से। देखिए होता क्या है कि मनुष्य जैसे ही भोजन करता है वैसे ही लाल रस आकर भोजन में मिल जाते हैं, दांतों से उसको चबाया जाता है। लाल रस टाइम मतलब नाम नहीं, क्यों नाम पूछेगा नहीं? तो जैसे हमने मुंह द्वारा मुंह पर भोजन रखा वैसे ही लाल रस भोजन में मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि भोजन रूखापन है जो सूखा सूखा है वो गीला हो जाए। भोजन गीला होने के पश्चात उसमें लाल रस में एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को टुकड़े टुकड़े करने का काम दांतों से टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, लेकिन भोजन को बराबर पचाने का काम नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि पहले मुंह के अंदर भोजन बराबर चबा लेना चाहिए। फिर भोजन के बाद धीरे धीरे इसोफेगस ग्रंथि जो गले में होती है, जो गले में होती है यानी जो हमारे अन्न मार्ग है उसमें होता है। इस इसोफेगस बहुत कोमल होता है। इसमें क्या होता है? पूरा धीरे धीरे कहाँ उतरता है? अमाशय में उतरता है। जैसे भोजन अमाशय में उतरा, अमाशय शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है जिसे आप पेट कहते हैं। पेट का आप कहते हैं पेट में बहुत सारी चीज होती है, तो आज भोजन करते हैं यहाँ पर भर जाता है। अमाशय जो होता है वो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो अमाशय में जैसे ही भोजन आता है वैसे उसकी पाचन क्रिया थोड़ी तेज होती है। अमाशय जो होता है एससीएल नामक एसिड होता है वो क्या करता है? जो आपने भोजन किया हो ना उसका कोई सूक्ष्म जीव है, कोई जीवाणु है, उसको क्या करता है? एससीएल क्या करता है? मार देता है। देखिए जैसे एससीएल क्या किया? मार दिया। अब देखिए कि अमाशय में पहली बार एक बार प्रोटीन पेप्सिन नामक ये जटक होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये उससे क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का अगर पाचन होगा यानी आप भोजन में एसिड मिल गया, क्या मिल गया? एसिड मिल गया। देखिए अमाशय में जो अमाशय में छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है वो क्या करती है? बाल की संरचना एससीएल से अमाशय की रक्षा करती है। भोजन कैसा हो गया? एसिडिक हो गया है। अब भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय से छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत तो आपकी सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी है, शरीर का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, लगभग वयस्क में 6 से 7 मीटर की होती है। तो ध्यान दीजिए सब में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। शाकाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी और मांसाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई कम होगी। जैसे बाघ में क्षुद्र आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, अब अमाशय भोजन आ गया है तो अमाशय भोजन कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक है तो अमाशय में यकृत होता है, यकृत पित्त रस उत्सर्जित करता है और पित्त रस क्या करता है? भोजन को देश में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत में भोजन में कार्यकार है प्रोटीन वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत जो पेप्सिन नामक एंजाइम है अमीनो अम्ल प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। वसा को ग्लाइकोजन एंजाइम वसा में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है और जैसे ही भोजन पचता है इसका छोटी आपके जो पेशियां होती है उनके द्वारा भोजन पे जो भी पोषक तत्व उनको शोषित कर लिया जाता है और बचा हुआ भोजन जो होता है बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं, जैसे भोजन आता है वो रसांकुर उंगली जैसे प्रवर्त को रसांकुर कहते हैं, वो रसांकुर फैल जाते हैं और भोजन क्या आपका भोजन के जो कण होते हैं उसमें से पानी को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं और बचा हुआ
मध्यम होता है, बचा हुआ अवशिष्ट होता है तो मलाशय पद और द्वारा बाहर आ जाता है। उम्मीद है आपको मनुष्य का पाचन तंत्र समझ में आया होगा। ईश्वर अगर आप ऐसा लिख के पढ़ते हैं ना, अगर ऐसा लिखते हैं और पिताल को टोपी को ढूंढते तो आपको बहुत अच्छे समझ में, इसलिए मैं चाहता हूँ मैंने पूरा तो नहीं बहुत छोटा है पूरा नहीं पाया, लेकिन आप उसके बाद लिख रहे थे ना आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए।